आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल चिपेस गार्डनिंग एवर में। मैं आपका गार्डनिंग दोस्त फिर से आया हूँ एक नए फ्रेश वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरिया फर्टिलाइजर के बारे में। यूरिया फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हम हमारे होम गार्डन में कैसे और क्यों करना चाहिए, इन सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही साथ दो तरीके जानेंगे कैसे हम यूरिया का इस्तेमाल हमारे होम गार्डन में कर सकते हैं। यूरिया का इस्तेमाल करने से प्लांट पर कौन सा इफेक्ट पड़ता है, उसके रिजल्ट वीडियो के एंडिंग में है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन भी जरूर दबाइए ताकि जब भी ऐसे नए नए वीडियोस हम आपके लिए लाए आपको नोटिफिकेशन मिले। यूरिया का इस्तेमाल करने के दो आसान से तरीके हैं। पहला है डिसॉल्विंग मेथड और दूसरा है ब्रॉडकास्टिंग मेथड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिसॉल्विंग मेथड के बारे में। डिसॉल्विंग मेथड का इस्तेमाल करने के लिए सिंपली आपको चाहिए एक ऐसी स्प्रेइंग बॉटल जो आपको किसी भी एग्रीकल्चर शॉप में आसानी से मिल जाएगी। साथ ही साथ यूरिया भी आपको किसी भी एग्रीकल्चर शॉप में 10 या 15 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। सिंपली आपको पानी लेना है और यूरिया को उसमें मिक्स कर देना है। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि यूरिया कितना इस्तेमाल करना है, तो कम से कम 1 लीटर पानी में आपको 20 से 30 ग्राम ही यूरिया का इस्तेमाल करना है। यूरिया एक टाइप का केमिकल फर्टिलाइजर है जो पानी में आसानी से डिसॉल्व हो जाता है, और इसमें नाइट्रोजन का प्रमाण अधिक होने के कारण अगर आपके प्लांट को नाइट्रोजन अधिक हो गया तो प्लांट का पीला पड़ जाना, मुरझा जाना या मर जाना, ऐसे प्रॉब्लम्स का सामना आपको आगे करना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको 1 लीटर पानी में कम से कम 20 से 30 ग्राम ही यूरिया का इस्तेमाल करना है, जो आपके किसी भी प्लांट के लिए सफिशियंट होता है। पानी में यूरिया मिक्स कर देने के बाद आपको बॉटल को अच्छे तरीके से शेक कर देना है ताकि यूरिया और पानी अच्छे से मिक्स हो जाए और यूरिया अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। उसके बाद सिंपली आपको स्प्रेइंग बॉटल से जहाँ जहाँ आपके पौधे हैं, प्लांट है, वहाँ पर आपको यह पानी स्प्रेइंग बॉटल से स्प्रे कर देना है। ये था यूरिया इस्तेमाल करने का पहला तरीका। अब हम जानेंगे यूरिया इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका, जिसे ब्रॉडकास्टिंग मेथड भी कहा जाता है। इस मेथड का इस्तेमाल करने के लिए सिंपली आपको यूरिया लेना है और जहाँ जहाँ पौधे के रूट्स होते हैं वहाँ पर यूरिया को ब्रॉडकास्ट कर देना है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, कुछ इस तरह यूरिया को आपको पौधों के रूट्स के पास, जड़ों के पास आपको ब्रॉडकास्ट कर देना है। यूरिया फर्टिलाइजर का इस्तेमाल खेतीबाड़ी में आमतौर पर सबसे ज़्यादा किया जाता है। यूरिया नाइट्रोजन का सबसे अच्छा सोर्स है। तकरीबन 46% नाइट्रोजन यूरिया खाद में होता है, जो किसी भी प्लांट के लिए एक तौर से ग्रोथ रेगुलेटर की तरह काम करता है। तो कुछ इस तरह इन दो तरीकों का इस्तेमाल करके आप यूरिया का इस्तेमाल आपके होम गार्डन में आसानी से कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए वीडियो कैसी लगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल चिपेस गार्डनिंग एवर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी जरूर दबाइए ताकि जब भी ऐसे नए नए वीडियोज़ हम आपके लिए लाए आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।